Hello guys, welcome back to my another video. I am very happy to see you all again. आप सबका मेरे नए वीडियो में स्वागत है. तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्लीजेंट एंड सूदिंग है. और इसी नए एनवायरनमेंट में, अच्छे एनवायरनमेंट में आज कुछ स्टडी करेंगे. आप आज सेंट्रल लाइब्रेरी, जो IIT मद्रास का काफ़ी अच्छा जगह है, उधर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखेंगे और कुछ नया और अच्छा सीखेंगे और जानेंगे. और वहाँ की बहुत सारी फैसिलिटी में एक अच्छी फैसिलिटी ये है कि वहाँ आपको पूरा फुल्ली एयर कंडीशन रूम रहता है. तो अगर आपको कुछ नहीं भी पढ़ना है तो आप वहाँ पर मूवीज़ एंजॉय करने या फिर म्यूज़िक सुनने या फिर सोने या स्लीपिंग करने के लिए भी जा सकते हो. तो चलिए चलते हैं वहाँ. और वहाँ रिसर्चर्स को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो. MS PhD स्टूडेंट अपने रिसर्च पर वहीं पर बहुत सारे रिसर्च पर कंप्लीट करते हैं. तो चलिए चलते हैं और साथ में एक्सप्लोर करते हैं. सो लेट्स गो, हियर वी गो. हेलो गाइज, वेलकम टू द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ IIT. हियर इज द एंट्रेंस. और आप देख सकते हो कि एंट्रेंस के बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है. एक गार्डन है और आप यहाँ देख सकते हो सेंट्रल लाइब्रेरी, केंद्रीय पुस्तकालय लिखा हुआ है. यहाँ से आपको एंट्री करना है. सो लेट्स गो. सो गाइस, हम लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे किताबें रखी हुई हैं. रियली बहुत सारे आपको हर टाइप के यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगे. आपको रेफरेंस, जनरल, आप कोई भी एक्सेस कर सकते हो. आप उसको ओपैक की मदद से रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हो. और यहाँ पर आपको डेस्क भी मिलता है कि आप यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो. और ये फुली एयर कंडीशनड रूम है. ये सर्कुलेशन सेक्शन है. फिर चलिए हम रीडिंग सेक्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग किताबें रखे हुए हैं. आपको किताबें ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको जब स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा आप यहाँ पर से रेफ़र कर सकते हो. उसके बाहर आपको नंबरिंग सिस्टम से आपको बुक अपनी फाइंड करनी पड़ेगी. तो ये आप देख सकते हो बहुत सारे नंबरिंग स्ट्रक्चर लिखा हुआ है बाहर में. तो चलिए दूसरा सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं. हियर वी गो. हेलो गाइस, हम नए सेक्शन में आ चुके हैं जो कि एक रीडिंग रूम है. आप यहां देख सकते हो बहुत सारे डेस्क रखे हैं. आप यहां पर आराम से स्टडी कर सकते हो. पीसफुल एनवायरनमेंट है काफ़ी. और आपको यहां पर फुली एयर कंडीशन मिलेगा. तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप यहां पर स्टडी कर सकते हो, मूवी इंजॉय कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो या फिर सो भी सकते हो. तो आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है स्टडी का. यहां पास आपके चारों ओर बहुत सारे लोग स्टडी करते रहते हैं, तो आपको भी स्टडी करने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है. तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ. और बाहर भी देख सकते हो काफ़ी लवली इन्वायरमेंट है. फिर यहाँ भी बहुत सारे बुक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. इस फ्लोर में जो कि सेकंड फ्लोर है, यहाँ पर मोस्टली आपको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बुक मिलेंगी. और आपको बुक एक्सेस करने के लिए आपको डिजिटल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दे दूंगा कि आपको कैसे रेफ़र करना है. हर बुक के लिए एक कोड है जो कि डिजिटल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है. और यहाँ पर देख सकते हो एक लिफ्ट भी अवेलेबल है, जिससे बुक ऊपर नीचे किया जा सकता है अलग अलग फ्लोर में. फिर मैं बता दूं कि आप अपनी बुक खुद से भी इशू करा सकते हो सेल्फ मोड में, या फिर सर्कुलेशन सेक्शन से करा सकते हो थ्रू स्मार्ट कार्ड और ID कार्ड. तो आपको पूरी फैसिलिटी दी गई है. तो इसको प्लीज़ एंजॉय करिए और उसको अच्छे से यूज़ करिए. तो चलिए आपको दूसरा सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं. सो लेट्स गो, हियर वी गो.
सो हेलो गाइस, आपको लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। आपको फाइंड करने के लिए यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए 621.3 है, तो उसको यूज़ करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बुक। तो गाइस, हम रीडिंग रूम में आ चुके हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। हम यहाँ पर एसी के वेंट्स देख सकते हो, तो ये भी पूरा फुल एयर कंडीशनड है। फिर आप यहाँ देख सकते हो कितनी सारी बुक्स नीचे ग्राउंड फ्लोर में, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है इसको देखकर। और यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारे डेस्क रखे हुए हैं जिसमें आप लैपटॉप चला सकते हो इजिली और काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं, एयर व्यू को। सो गाइस, आपको यहाँ एसी के अलावा आपको लैपटॉप रखने के लिए भी सफिशेंट स्पेस मिलता है। आप देख सकते हो ऊपर चार्जिंग पोर्ट भी 360 चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है। सो आपको यहाँ पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पास आप इजीली रिसर्च कर सकते हो या फिर बुक रीड कर सकते हो।